हेलो गाइस, कैसे हो यार। जैसा कि आप सभी को पता है कि पबजी मोबाइल अब बैन हो चुका है यार। अब शॉर्ट फिल्म कैसे बनेगी यार, अब कैसे बनाऊंगा यार शॉर्ट फिल्म, यूट्यूब पे वीडियो कैसे डलेगी यार। यूट्यूब से मेरा घर चलता था, अब क्या होगा मेरा, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, मेरे 2-4 दर्जन बच्चे हैं, उन सबका क्या होगा, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों का। घर में रोटी कैसे बनेगी, कढ़ी चावल कैसे बनेगी, आइए अब हम सब मिलकर रोते हैं एक साथ। दलिया ले गया वो, कड़ी चावल कैसे बनेंगे, आज ही कड़ी चावल बनाए। सुबह ले लियो, सुबह में पांक। अरे गाइस, जस्ट जोकिंग, ये सब मजाक था यार। मैं तो खुद कुछ महीने पहले ही खुद 18 साल का हूँ यार, मैं तो खुद एक बच्चा हूँ, मेरे भी बच्चे कहाँ से आ जाएंगे। जस्ट जोकिंग। तो गाइस यार, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं यार, पबजी बैन हुआ तो अभी शॉर्ट फिल्म आएगी, ज़रूर आएगी, डोंट वरी। पबजी अब से मैं रेगुलर रहूँगा। बहुत दिनों बाद मैंने केजीएफ चैप्टर 20 डाला, लगभग एक महीना पहले डाला था यार। आई नो यार, काफ़ी ज़्यादा लेट, कोई बात नहीं, अब से रेगुलर रहूँगा, डोंट वरी। तो यार अभी कभी वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए बंदे आए हो तो यार, चैनल पे कर लियो यार वीडियो, आई होप अच्छी लगेगी तुमको। जैसा कि पिछले पार्ट में आपने देखा था कि उस बच्चे को कुछ गुंडों ने उठा ले गया था, और ये बात रॉकी के बॉडीगार्ड ने रॉकी को 4 दिन बाद बताया, तो इस बात से रॉकी गुस्सा होकर रॉकी अकेले उस बच्चे को बचाने चल देता है। वहाँ पहुँचने के बाद रॉकी के हाथ में गन रहती है और वो बच्चा नॉक हो जाता है। तो क्या रॉकी भाई ने उस बच्चे को गोली चलाया, आइए जानते हैं और देखते हैं। बॉडीगार्ड, तुम यहाँ क्यों आ गए, मैंने तुमको मना किया था ना आने, और तुमने राज को गोली क्यों मारा? आई एम सॉरी रॉकी भाई, मैंने जानबूझ के नहीं मारा, गलती से लग गया, मैं उन दोनों को मार रहा था, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी इसीलिए आ गया। मुझे बचाओ रॉकी भाई, मुझे बचाओ। अरे अरे, चलो चलो जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी आओ। डॉक्टर साहब प्लीज, उसको कुछ मत होने देना। आप बिल्कुल चिंता मत करो रॉकी भाई, उसको कुछ नहीं होगा, बस उसके हाथ में गोली लगी है। मैंने तुमको मना किया था नाने, तो फिर क्यों आए तुम? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम राज को मारना चाहते हो। नहीं रॉकी भाई, ऐसी बात नहीं है। एक तो तुमने मुझे 4 दिन बाद बताया कि राज को किसी गुंडे ने किडनैप कर लिया है, तुम यही चाहते थे ना कि वो लोग राज को मार डाले? हाँ नहीं रॉकी भाई, आपकी तबीयत बहुत ख़राब थी और डॉक्टर ने आपको घर पर आराम करने को कहा था। अरे मेरा छोड़ो, अगर इसको कुछ कर दिया होता उस गुंडों ने तो इसका कोई भी नहीं है इस दुनिया में। आपका भी तो कोई नहीं है इस दुनिया में रॉकी भाई, अगर आपको कुछ हो जाता तो। आपको रेस्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए मैं खुद उन गुंडों के पास गया था, कहीं वो लोग राज को मार ना दे इसलिए। मैंने उनसे कहा कि राज को छोड़ दो, पर उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि जब तक रॉकी नहीं आता यहाँ तब तक वो लोग नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि जब तक रॉकी भाई ठीक नहीं हो जाता वो लोग राज को कुछ ना करे, तो उन्होंने मान लिया और जैसे ही आप ठीक हुए मैंने आपको बता दिया। और मुझे पता था कि आपकी हालत अभी बहुत नाजुक है, इसीलिए वो लोग आपको मारने की कोशिश ज़रूर करेंगे, इसीलिए आपके मना करने के बाद भी मैं आ गया। आई एम सॉरी रॉकी भाई। नहीं नहीं, तुम मुझे माफ़ कर देना, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें कितना गलत समझ रहा था। चलो ना राज को चल के देखते हैं, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, आ जाओ। रॉकी भाई वो ठीक है, अब आप लोग उससे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक गॉड। राज तुम ठीक तो हो ना? हाँ रॉकी भाई, मैं ठीक हूँ अब। आ जाओ चलो फिर घर चले। हट अंदा है क्या? हे कौन हो, रुको,
देख के नहीं चल सकते क्या? अंधे हो क्या? अरे इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है रोड पे, आप देख नहीं रहे क्या? आपको अंधे हो क्या? साइड से नहीं चल सकते? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं थोड़ा टेंशन में था। अरे अंकल आप उधर क्यों देख रहे हो, मैं तो आपके पीछे था। तुम जहाँ भी हो मुझे माफ कर दो बेटा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? अरे अंकल आप देख नहीं सकते, I'm sorry, sorry अंकल, I'm so sorry। कोई बात नहीं बेटा। अरे अंकल कहाँ जा रहे हो? हाँ अरे अरे अंकल आराम से सामने पेड़ है। अंकल उठिए आराम से। अंकल आप अभी इस हालत में नहीं है कि कहीं जा सके, आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए, फिर आपको जहाँ जाना होगा मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। चलिए अंकल। अरे नहीं बेटा मैं चला जाऊँगा। नहीं नहीं अंकल आप इस हालत में नहीं जा सकते, मुझे अपना बेटा समझिए, चलिए मेरे साथ। बेटा अरे अरे अंकल आप रो क्यों रहे हो, पहले तो आप मेरे घर चलिए, आइए चलिए चलिए आराम से आइए मेरे साथ, चलिए आइए। ओ बॉडीगार्ड जरा वो स्कूल के वॉल पे मेरी गाड़ी टक्कर लग गई है, जाके गाड़ी लेके आ जाओ तो। हाँ अब बताइए अंकल आप रो क्यों रहे हैं? मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या ऐसा क्यों किया उसने, आखिर क्यों? बहुत लंबी कहानी है बेटा, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा आप रुकिए मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ, फिर बताना आप। राकी तेरी मौत बहुत नजदीक है। अरे मैंने तो अंकल से पूछा ही नहीं कि उसको खाना क्या है, पूछ के आता हूँ। गाइज आपको क्या लगता है कौन है ये आदमी और ये रॉकी को क्यों मारना चाहता है? तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना, और ये भी बताओ गाइज मैं आपसे रेगुलर हूँ तो गाइज नेक्स्ट पार्ट कौन सी चाहिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो, कमेंट में बताओ। और गाइज अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यार, और जो भी नए बंदा यार अभी तक 75% बंदों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर दो यार, अब किस चीज़ का इंतजार? आपसे मैं रेगुलर हूँ तो कमेंट कर दो कौन सा पार्ट चाहिए जल्दी से जल्दी मैं बनाऊँ।